जहां कुछ लोग सोचते हैं कि अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक है, कुछ लोग क्या आप भी सोचते होंगे और मैं भी सोचता हूं, भारत में तो इसे जहर के नाम से बुलाते हैं। वहीं जापान इस बात से परेशान है कि वहां के लोग अल्कोहल का सेवन कम से कम कर रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी पर खासा असर पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए जापान अब अपने लोगों को अल्कोहल का सेवन करने के लिए जागरूक कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्कोहल का सेवन करें, जिससे जापान की इकोनॉमी को सुधारा जा सके। जापान के लोकल मीडिया के मुताबिक वहां के लोगों में अल्कोहल सेवन का स्तर गिरता जा रहा है। 1975 में अल्कोहल सेवन 100 लीटर प्रति व्यक्ति था, जो 2020 आते आते 75 लीटर प्रति व्यक्ति रह गया। जापानीज टाइम्स के अनुसार 1980 में जापान के टोटल टैक्स का 5% केवल अल्कोहल से आता था, जो 2011 में 3% हो गया, लेकिन 2020 आते आते ये और घटकर 1.7% ही रह गया, जिसकी वजह से जापान की टैक्स एजेंसियां परेशान हैं। जापान की टैक्स एजेंसीज ने इन समस्या को समाधान करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम है सेक वाइवा। इस कैंपेन में वो युवाओं को अल्कोहल के सेवन के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। इस कैंपेन में ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस जानकारी को आप तक पहुंचाया है हमारे साथी मुकेश दक्ष ने। मैं निखिल शुक्ला, देखते रहिए चेतना मंच।